ओके तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये क्यूप्रिक सल्फेट या जिसको हम लोग कॉमन भाषा में कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ये ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे क्रिस्टल होता है, लेकिन ये मॉइस्चर पकड़ लिया है तो शायद इसलिए बहुत सारे क्रम्बल्स हो गए, इसके टुकड़े हो गए हैं। अब इसको हम लोग पानी में डालेंगे, ये है टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर, डिस्टिल वाटर हमारे पास नहीं है। अब इसका सलूशन बनाएंगे, और भी बड़ा पीस डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा छोटा पीस डालेंगे क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली होता है, छोटा पीस मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इसके पार्टिकल से ही काम चला लेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसा कि आप सुने हैं उसी को समझने का प्रयास करेंगे विद दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक फिनोमेना या इलेक्ट्रो डिपोजिशन समझेंगे। तो पानी में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट डाल दिया, इसको शेक कर रहे हैं जब तक कि ये पूरा घुल ना जाए। शेक करने का ये अच्छा तरीका होता है, या फिर ग्लास रॉड में भी डालकर हम लोग ग्लास रॉड की सहायता से भी शेक कर सकते हैं, इसको अच्छे से घोल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा है विवेक क्लास 8 का, तो ये क्या करेगा, ये दो आयरन के ले लें, इसको थोड़ा सा रब करो सरफेस से पूरा रोल करके अच्छे से। हम लोग क्या करेंगे, आयरन के सरफेस से कॉपर को डिपॉजिट करेंगे। इसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब आयरन का घिसा हुआ नेल, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा कर देना पूरा अच्छे से रोल करके, तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस सोल्यूशन में से कॉपर निकल के उस आयरन को रिप्लेस करेगा उसके सरफेस से, वहाँ पर हमको तांबे का लेयर दिखेगा। तो एक तरह का इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा सिंपल लेवल पे, और उसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से एडवांस मशीन की सहायता से करते हैं, तो फिर वो बहुत फास्ट हो जाता है प्रोसेस। बस हो गया, ठीक है। तो चलिए आइए, ये ऑलमोस्ट घुल चुका है, कुछ बड़े पार्टिकल अभी घुल नहीं रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर आयरन में थोड़ा सा पोंछ दो कपड़े या हल्का सा, लाओ लाओ ठीक है, हाथ से ही पोंछ देते हैं, कपड़े गंदे मत करो। तो ये आयरन नेल को रब कर दिया रब सरफेस पे। हम लोग रब इसलिए करते हैं क्योंकि जनरली जो आयरन नेल या कुछ आता है उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग रहता है, तो जल्दी उसमें रस्टिंग नहीं होता है, तो जब रब करेंगे तो उसका आयरन सरफेस एक्सपोज हो जाएगा और उसमें रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, इसलिए हम लोग रब करते हैं। दूसरा आयरन नेल भी है ना, अब इस पर हम लोग आयरन नेल को डाल दे रहे हैं, पहला वाला डाल दिया और दूसरा वाला भी आयरन नेल डाल दिया। अब इसको अनडिस्टर्ब ऐसे छोड़ देंगे और कुछ मिनट बाद देखेंगे तो इस पर कॉपर का पतला सा लेयर आ जाएगा। ऐसे फिर कई घंटे का प्रोसेस है, इसको कई घंटे या रात भर छोड़ना पड़ता है, लेकिन अभी हम लोग कुछ मिनटों में देखेंगे, आई होप कुछ रिजल्ट हमको मिलेगा, ठीक है। तब तक हम लोग चलते हैं।